हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 11:42। आज भी उठने में काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज कल 5 मिलियन का सेलिब्रेशन किया था ना, तो लेट सोया था। एडिटिंग भी मेरी लेट हुई थी, अपलोडिंग भी लेट हुई थी, तो राउंड में 3-4 बजे सोया था सुबह। फिर अभी लेट उठाऊँ, उठने के बाद कमेंट्स भी पढ़ लिए मैंने, अराउंड 1000 कमेंट्स पढ़ लिए। और हाँ, 2 घंटे में 2 मिलियन व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडियो क्लीन करता हूँ, सारे बेड बेड खिसके हुए हैं सारे। और हाँ, अब मैंने एसी भी चलाना स्टार्ट कर दिया, अभी जो मैंने छोड़ दिया था एसी, तो मुझे डर लग रहा था एसी से, बट अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने स्टार्ट किया था। और मैं रखता हूँ 29 पे या फिर 30 पे, इससे नीचे तो मैं करता ही नहीं, और फैन भी नहीं चलाता, तो बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आती है, स्टूडियो बिल्कुल ठंडा जाता है, तो इतना ठीक है। सौदा उठ गए हैं ओलू, डर गया था। एक्चुअली सीन ये है कि ये 5 मिलियन वाले बैलून से भी डर रहा था, तो मैंने 5 मिलियन वाला बैलून भी निकाल दिया है। ये रहा 5, ये देखो डर के भाग रहे हो। फेंक रहा हूँ, टेंशन ना ले। देखो अभी इसको डर लग रहा है, इसलिए मेरे ऊपर इस तरह से चढ़ रहा है ताकि मैं इसको बचा लूँगा। इसको पता नहीं क्यों बैलून से इतना डर लगता है, और अगर इसको किसी चीज़ से डर लगता है ना, तो फिर मुझे भी बहुत बुरा लगता है देख के कि और ये डर रहा है, ये कांप रहा है, तो फिर इसलिए मैंने वो बैलून फेंक ही दिए। अब 5 मिलियन भी नहीं है वहाँ पे। तो अभी जस्ट नहा के आया हूँ, और एक वीडियो देखी मैंने अभी मेरे मीम पेज ने डाल रखी है, मतलब पूरी फैमिली को मेरी एवेंजर बना दिया, और हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। मैं तो हंस हंस के पागल हो गया। तो आप देखो, कोरोना वायरस नाम भी देखो, खुद ही फैला देते हैं। I will shred this universe down to its last atom. अपना खौफ तो है ही इसके अंदर। They'll never know it because you won't be alive to tell them. अबे तू क्या कर रहा है? बच के रहियो भाई। ओए क्या सुन नहीं रही बात है? बता रहा हूँ मैं तो सुनूंगा। अबे नहीं यार, मत कर यार। हेलो, हाँ पापा जी, सब्जी वगैरह लेनी है कुछ? एक तो टमाटर ले आओ। टमाटर और है गाइस, की पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वाह, ऐसी पॉजिटिविटी आ गई। हम तो बच गए। तो लेट्स सी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ तेरे को। पागल क्या? अबे तू क्या कर रहा है? बच के रहियो भाई। ओए बता रहा हूँ मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ तेरे को। पॉजिटिविटी जरूरी है। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको एडिटिंग, मतलब सारे डायलॉग्स ब्लॉग्स में से निकाल के, और पारस भैया, नवीन, इवन ओरियो आ गए एकदम से, मेरे को तो इतनी हंसी आई ना देख के, लिटरली यार, मतलब मजा आया था ये सब देख के। तो बचाने आया था हमको, बचाने आया था। चलो जी, धूप बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, बहुत ज्यादा। चलो चलो, मेरे को बुला रहे, ये कह रहा है कि आप भी चलो साथ में, मैं भी चलूं साथ में। चलो यार, चलो आजा आजा। स्पाइडरमैन बना दिया इसको, क्या बनाया मम्मी, क्या बनाया? कड़ी चावल बनाया। फाइनली पूरे 1 महीने के बाद हम कड़ी चावल खाएंगे। यूजुअली आपने देखा होगा हम कड़ी चावल बनाते रहते थे, मेरी तो फेवरेट है। कड़ी को देख के मुंह में पानी आ रहा है, प्याज भी कट चुके हैं। डाल दो बाबा जी, कर दो सर्व, सबसे पहले मुझे ही देना, मुझे भूख लग रही है। जो सर्व करता है ना वो सबसे लास्ट में लेता है। तो अपना कड़ी चावल आ चुका है, मजा आ जाएगा अब तो। नहीं भाई, वो खिसक मारना, वो तो वैसे करके झुक के मार देंगे भाई, मार रहा है तो झुक के मार देंगे। तो पीयूष थोड़ा डर रहा है, पीयूष कह रहा है अगर मैं कोई थोड़ी सी भी गलती करूंगा तो मेरे को यहाँ पे सीधा एक थप्पड़ लगेगा। मम्मी जी रोटी बना के ले आई है। तो लंच हो चुका है लिटरली गाइस, मजा ही आ गया खा के आज। तो फिलहाल अब मीठे में खाएंगे हम 5 मिलियन वाला केक, मेरे को दे दे। तो अभी हमारे पास आ चुके हैं इतने सारे मौसमी, जो कि अराउंड 20 किलो है, 20 किलो है पूरे, जो कि उठ भी नहीं रहे। मैं इतनी मुश्किल से इसको ऊपर लेके आया हूँ। इसका हम क्या करने वाले हैं पीयूष आज? ऑब्वियसली तो जूस बनाएंगे। तो आज हम पियेंगे मौसमी का बिल्कुल बिल्कुल प्योर जूस,
बना के, तो देखते हैं कैसे रहता है जिसमें ओनली वन रखो। तो ये हमारे पास यहाँ पे मशीन भी है जूस निकालने वाली, तो पीयूष जूस वाला है हमारे साथ में। पीयूष जूस वाला 10 रुपए गिलास मौसमी का जूस। हाँ 10 रुपए नहीं आता भाई, कम से कम 100 रुपए गिलास भाई, 100 रुपए। चाकू नहीं लेके आया? ले मौसमी ले आए, मशीन ले आए, काटने के लिए चाकू ही नहीं लेके आया। वाह, तो मौसमी का जूस निकाल के दिखाएंगे आपको इस मशीन का यूज करके किस तरह से निकाल सकते हैं हम। आप भी निकाल सकते हैं, इस तरह की मशीन ले लो बस। ये मशीन हमारी नहीं है, ये नवीन की है, जो कि नवीन भी आ चुका है। नवीन कुछ ना कुछ ले ही आता है डेली, कभी सैंडविच बनाने के लिए, कभी क्या बनाने के लिए, कभी क्या। फिलहाल मौसमी ले आया था और मशीन पड़ी थी इसके पास, ये ले आया था। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 पीस कर दो मौसमी के इस तरह से करके, यहाँ पे आधे मौसमी को रख के और कुछ इस टाइप से, ये देखो निकल गया, बस आधे मौसमी का रस निकल चुका है, आधे मौसमी का कुछ इतना सा निकला देखो। तो एक गिलास में बहुत लगेंगे, डस्टबिन में मत डाल, गाय को दे देंगे। हाँ गाय को दे देंगे। तो आज हम ये भी काउंट करेंगे कि एक गिलास में कितने मौसमी लगते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना, हम एक गिलास पीते हैं तो उसमें कितने मौसमी, एक्चुअल में कितने मौसमी लगते हैं। तो एक मौसमी से कुछ इतना जूस निकला है, और सही निकला है एक से। तो ये सारे जुगाड़ नवीन के ही है, हमारे नहीं है जुगाड़, यही लेके आता है, पता नहीं कहाँ से लेके आता है। वैसे लॉकडाउन के लिए धंधा भी अच्छा है ये, है ना, सैंडविच और उसके साथ जूस। हाँ भाई जुगाड़ बढ़िया है इसका, देखना यहाँ पे ना इस टाइप का होता है ये देखो कितना जूस निकल रहा है। वाह उसके ऊपर बैठ ही गया ये, तो टूट जाएगी भाई मशीन, टूट जाएगी। और ये भी देख रहा है, और ये जूस पिएगी लड़की भाई, बहुत खट्टा होगा। जैसा भी होगा भाई प्योर है, खट्टा हो चाहे मीठा हो। पीयूष बैठ जा रहा है इसके ऊपर। रुक जा मैं गिलास देता हूँ, रुक जा। तो ये है बिल्कुल प्योर मौसमी का जूस, और भर उसको भाई, ये मशीन मेरे को दे दे तू, ऐसे ही मौसमी ले आएंगे भर भर के पीते रहेंगे। आप भी पियोगे? पीयूष नवीन से पूछ रहा है आप भी पियोगे? सारा सामान तो वही ले गया है, उसी की मशीन है, और तू उसी से पूछ रहा है कि पियोगे। वाह अभी से कट भी नहीं रहा है, हाथ कट गया। अच्छा मम्मी वैसे पूछ के, मम्मी आप पियोगे? एक और जने आगे, नमक डाल दे बस, डाल 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 डाल, डर क्यों रहा है, बस बस बस। कड़वा हो रहा है यार, तो कड़वा ही होता है। अरे नवीन को तो दिया नहीं, वो लेके आया, जिसके मौसमी और मशीन होती है वो थोड़ा ना, वो तो बना के देता है। तो अभी नवीन के लिए मैं बना देता हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ कैसा लगता है इस मशीन को यूज करने में। सेटिस्फाइंग है ये तो, है ना, दबाने में जोर लग रहा है, जोर उतना नहीं लग रहा जितना पीयूष तो बैठ रहा था इसके ऊपर। भाई ये मशीन मेरे को देखी जाएगी वो। ओके ब्रो, अब कल क्या लेके आएगा ये बता पहले। कल देखते हैं, रोज कुछ ना कुछ तो लेके आ रहा है, कल क्या लेके आएगा रात को सोचते हैं। भाई सबसे ज्यादा तेरे को ही मिला, देख ले लास्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा तेरे को ही मिला है। हाँ, और पीना किसी को पिलाऊंगा भी नहीं। भाई एक गिलास ज्यादा पीना भी नहीं चाहिए। तो अभी हमको गाड़ी निकालनी थी, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूरी गली खोद रखी है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सोनू भैया निकालेंगे, मैं तो रिस्क नहीं ले रहा। आंटी जी हटो, आंटी जी हटो हटो, अरे हटो यार, ये हटी नहीं रही, आने दो आने दो। सही है, निकाल दी, निकल गई। मेरे को इनका डर लग रहा था कहीं इस पे नाच लग जाए। मोड़ लो। तो आज हमारे साथ में ओरियो भी जा रहा है काफ़ी टाइम के बाद। किसी तरह आंटी को दियो, इसमें से निकाल के दियो। रुक जा, अरे रुक जा, चल अंदर चल। आ जा, AC ऑन करना। तो आज सोनू भैया ड्राइव करेंगे, आज हम पीछे बैठेंगे। तो आज तीनों भाई बैठे हैं पीछे ही, अच्छा लग रहा है। यूजुअली मैं चलाता था ना। तो अब साहिल गाड़ी सीखेगा, सोनू भैया गाड़ी सिखा रहे हैं उसको, और हम डॉग को फीड कर देते हैं। आ जा, दे रहा हूँ, रुक जा भाई, और ही मत भोको, तुम ऐसे काम करो, लो साइड में दूंगा, खा ले। साहिल सही चला रहा है, मैंने भी इतनी बड़ी गाड़ी से सीखी और साहिल भी अपनी इतनी बड़ी गाड़ी से सीख रहा है, देख लो। जबकि यूजुअली छोटी गाड़ी से सीखना चाहिए स्टार्टिंग में। इसको भी बड़ी से सिखाएंगे, पीयूष को भी बड़ी से सिखाएंगे। छोड़ मत दियो भाई, भाग जाएगा, छोड़ दिया तो तूने। तो भी सनसेट भी होने ही वाला है, सन बिल्कुल नीचे चला गया, 5 मिनट में हो जाएगा सनसेट। तो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये थोड़े सालों में ना डेवलप हो जाएगी अच्छे से। अभी यहाँ पे जो ये फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ये खाली पड़े हैं, कुछ सालों बाद हो जाएगी तब हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, तब हम सोचेंगे हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, हम यहाँ पे घूमने आते थे, और मतलब मजा आएगा भाई। पिछले 2 साल में भी अपनी ऐसी, वैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट हो तो रहेगा, सरकारी है। कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कभी तो होगा, हम अपने बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पे, नवीन के बच्चों के साथ आएंगे यहाँ पे।
तब हम ये वाली वीडियो दिखाएंगे उनको कि हम यहाँ पे ऐसे आते थे, ऐसे डोलते थे ओरियो के साथ में, ओरियो के बच्चे भी आएंगे सबकी शादी हो जाएगी ना। डॉग्स को फीड हमने कर दिया है, साहिल ने गाड़ी भी सीख ली, काफी कॉन्फिडेंटली चला रहे फिलहाल। फिलहाल तो मैं अकेले चला रहा हूँ बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा था, मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, आई लव ड्राइविंग कार बहुत ज्यादा, इसीलिए खाली खाली रोड है यहाँ पे, चला लेते थोड़ा। तो बजा देगा इतनी लंबी शंख, इतनी लंबी नहीं बजती ना तेरे से। तो अभी तुलसी माता को जोत जला रहे हैं, जय तुलसी माता। तो अभी है फिलहाल डिनर टाइम, क्या बनाया मम्मी? लौकी और रोटी। मम्मी जी फोन में लगाए, एक बज गया था उस समय, तो फोन पर लगा था, मैंने कहा देख जब तक मैं इसको नहीं कहती ना तब तक ये नहीं करता है, कितना ही कह दे इसको। अरे खुद से तो कभी करता ही नहीं काम, होमवर्क खुद से कभी नहीं, जब डांटोगे नहीं तब तक कहोगे नहीं, दस बार नहीं कहोगे ना। बेटे फोन में लगाया हाथ मम्मी के, पहले दरगाह तक मैंने। तो अभी डिनर हो चुका है एंड पीयूष एज यूजुअल गेम में लग गया है, तो अभी ओरियो से मिलने आए हैं, गुड नाइट बोल के जाएंगे इसको। और मत छेड़ो यार, क्यों परेशान कर रहे हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो यार। ये देखो गाइस कितनी मासूम सा चेहरा है इसका, आंखें देखो कितनी प्यारी सी हैं, बोलू सो जा। फिलहाल मैं एडिटिंग करूंगा, अब एडिटिंग हो चुके हैं, रात के बज चुके हैं 11। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हैं दिख नहीं रहा? इलेक्शन चल रहे हैं, वोटर की आईडी बनवा रहे हैं। और ये क्या आईडी बना रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी। Till we grow old, please tell me you'll stay or take me away. I want you for